हेलो माय फ्रेंड, वेलकम ऑन माय इको फ्रेंड चैनल। आई होप कि आप लोग सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज का टॉपिक है कैसे मोगरे के पौधे में फर्टिलाइज़र अप्लाई करें और किस मौसम में फर्टिलाइज़र अप्लाई करना बेहतर होगा। आज हम जिस पौधे के बारे में चर्चा करेंगे वह बेहद खूबसूरत और आकर्षक है। इसका नाम मोगरा है। मोगरा एक प्रकार का पौधा है जिसके फूल छोटे छोटे सफ़ेद रंग के साथ बहुत ही खूबसूरत होते हैं। इसका वनस्पति नाम जैस्मिनम सांबेक है। जैस्मिनम सांबेक भारतीय महाद्वीप से दक्षिणी पूर्व एशिया तक उष्णकटिबंधीय एशिया के मूल निवासी चमेली की एक प्रजाति है। इसकी खेती कई जगहों पर की जाती है, खासकर दक्षिणी और दक्षिणी पूर्व एशिया में। वर्षा ऋतु और शीतकालीन ऋतु में आप इसमें फर्टिलाइज कर सकते हैं। आप जो ब्लैक कलर का दानेदार जो देख रहे हैं इसे बोलते हैं DAP, डाई अमोनियम फॉस्फेट, और ये जो वाइट वाला है दानेदार इसे बोलते हैं यूरिया। ये बेहद ही कॉमन फर्टिलाइज़र है, आप इसे कहीं भी पा सकते हैं या भी देख सकते हैं। खासकर खेती में इसका उपयोग किया जाता है। और ये जो हमारे हाथ में है इसे बोलते हैं रोज फूड। ये कई प्रकार के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड द मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के मिक्सर से बना होता है, और ये जैविक है, यानी बायो ऑर्गेनिक खाद है। मैं जो DAP यूज कर रहा हूँ उसका रेशियो वैल्यू है 18:46:0। यूरिया में 46% नाइट्रोजन पाया जाता है। इसलिए दोस्तों मैं बताता हूँ कि जब भी आप यूरिया यूज करें ना तो कम से कम क्वांटिटी का उपयोग करें। अगर मैं बताता हूँ 10 तो आप ना 8 ही दाने का यूज करना। दोस्तों याद रखें DAP और यूरिया दोनों केमिकल फर्टिलाइज़र हैं, इसलिए आप इसे कभी भी ना अधिक मात्रा में यूज ना करें, नहीं तो ये आपके पौधे को जला सकते हैं, मार सकते हैं। इसकी कम से कम क्वांटिटी का यूज करने की कोशिश करें। अगर आप बिगिनर हैं तो आप कम से कम यूरिया का उपयोग करें और DAP का। ये वाइट पाउडर जैसा देखने वाला रोज फूड ये एक जैविक खाद है, इसलिए इसकी अधिक भी मात्रा पड़ जाए तो पौधे में कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन दोस्तों केमिकल फर्टिलाइज़र का उपयोग अधिक मात्रा में ना करें, क्वांटिटी जितनी बताई गई उससे कम ही लेने की कोशिश करें। अगर आप बिगिनर हैं तो एक्सपीरियंस होने पे आप इसका उपयोग अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन बिगिनर में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो आइए देखते हैं कि मैं इसे कैसे अपने मोगरे के प्लांट में ये फर्टिलाइज़र अप्लाई करूँगा। दोस्तों एक बात याद रखें, जब भी हम कोई फर्टिलाइज़र अप्लाई करते हैं प्लांट्स में तो उसके रूट्स में डायरेक्ट ना फर्टिलाइज़र नहीं डाला जाता है। ऐसे करने से पौधे मर सकते हैं। कम से कम उसकी दूरी बना के आप फर्टिलाइज़र अप्लाई करें। जो उसके सर्कल होते हैं ना, यानी कि परिधि, वो जिसकी परिधि होती है यानी बॉर्डर, जो लास्ट जो पॉट के बॉर्डर होते हैं उसके पूरे किनारे में उसे डालने की कोशिश करें। मेरे मोगरे के प्लांट बेहद खूबसूरत और हरा भरा और स्वस्थ और हेल्दी है। इसके फूल भी हैं, इनकी काली कलियाँ भी हैं, और ये बेहद ही स्वस्थ और हेल्दी कंडीशन में है। आप मोगरे के पौधे की छटाई कर सकते हैं जब आपको लगे कि इसकी पत्तियाँ और ब्रांचेज ज़्यादा बड़ी हो गई है। तो आई होप कि इस वीडियो के थ्रू आपने बहुत कुछ सीखा होगा।